अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। दागी नेताओं पर अध्यादेश वापस लिया जा सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। वैसे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दागियों पर अध्यादेश को बकवास बताते हुए कहा है कि इसे फाड़ कर फेंक देना चाहिए। दागियों पर अध्यादेश को बकवास बताने वाले राहुल के बयान के बाद बीजेपी ने भी सरकार पर हल्ला बोला है। बीजेपी ने सवाल किया है कि अध्यादेश पास होते वक्त राहुल गांधी कहां थे, तो सुशील मोदी ने तो अध्यादेश पर मुहर लगाने वाले मंत्रिमंडल के सदस्यों पर कार्रवाई तक की मांग कर डाली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव सुधार की दिशा में ऐतिहासिक फैसला दिया है। अब चुनाव में आम जनता के पास पसंद नहीं आने की हालत में सभी प्रत्याशियों को रिजेक्ट करने का अधिकार होगा। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि ईवीएम में नन ऑफ द एबव का बटन भी हो। अब किसी पार्टी में वैचारिक मंथन नहीं होता और सभी पार्टियों का लक्ष्य सत्ता तक पहुंचना रह गया, ये कहना है एनसीपी नेता तारिक अनवर का। हमारे खास कार्यक्रम सियासत की बात में उन्होंने ये बातें कही। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के सियासत में आने पर भी उन्होंने सवाल उठाया। ये एक विचारिक जो एक मंथन हुआ करता था और लोगों के अंदर एक विचार से लोग प्रभावित होकर राजनीतिक दलों में आया करते थे, आज वो नहीं हो रहा है। आज जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है कि किसी तरह सत्ता तक पहुंचा जाए। नमस्कार, आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हमारे खास मेहमान हैं तारिक अनवर साहब। तारिक साहब से लगभग 86 से एक दूसरे को हम लोग जानते हैं। बिल्कुल। और तारिक साहब का एक बड़ा लंबा पॉलिटिकल अनुभव रहा है, सीताराम केसरी से लेके और नरसिंह राव जी के साथ काम करने का, और शुरुआत संभवतः राजीव गांधी से हुई थी। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय जो देश की राजनीति है उसमें कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ जो सेकुलर पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं वे कितना अपने को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, उनकी जो नए सहयोगी हैं या जो उनके नेता हैं शरद पवार जी, उनके साथ तारिक भाई के क्या इक्वेशन है, और मौजूदा राजनीतिक ध्रुवीकरण में एनसीपी या शरद पवार जी की क्या भूमिका होने जा रही है। तारिक भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हम लोग यही चर्चा करेंगे कि जब आप लोग राजनीति में आए थे 85-86 के दौर से कम हम आपको जानते हैं जी। उस जमाने में राजीव जी ने आपको सेवा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, तब सेवा दल भी बहुत चर्चा में था आपके, मैंने कह सकते हैं कि सदारत में या रहनुमाई में लगता था कि सेवा दल को जितना महत्व था उतना जो मेन कांग्रेस पार्टी थी उसको नहीं था उस दौर में, और लोगों के लिए एक अट्रैक्शन था कि सेवा दल का सदस्य बनने का मतलब सीधे पार्टी हाईकमान से जुड़ना है। आज क्या है कि न तो कहीं सेवा दल दिख रहा है न कांग्रेस पार्टी दिख रही है। ठीक है, सरकार चल रही है, 8-9-10 साल से सरकार है, लेकिन वह इम्पैक्ट, वह अट्रैक्शन, वह जो एक आइडियोलॉजी को लेकर कमिटमेंट है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, क्या कारण दिख रहा है आपको? देखिए, वैसे तो मेरे राजनीतिक करियर शुरू हुआ 70s में और थाना कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मैंने शुरुआत की थी पटना से, और फिर इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बना, मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, और जैसा आपने कहा कि उसके बाद मुझे सेवा दल की जिम्मेदारी दी गई और राजीव गांधी जी के द्वारा। मेरा ख्याल है कि उन्होंने जब हमको बुलाकर कहा कि आपको सेवा दल की जिम्मेदारी दे रहे हैं तो थोड़ा मुझे भी घबराहट हुई थी,
क्योंकि सेवादल से कोई मेरा पहले का कोई वास्ता नहीं था, कभी सेवादल में काम नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि सेवादल के द्वारा कांग्रेस के जो युवा पीढ़ी जो कांग्रेस में आ रही है उसको एक तरह का प्रशिक्षण दिया जाए और साथ ही साथ कांग्रेस विचारधारा से उनको पूरी तरह से लेस किया जाए। तो मैंने वो काम शुरू किया, फैकल्टी बनाई और तमाम ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ और फिर ये तय हुआ कि 40 साल से जितने भी नीचे हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, किसी भी पद पर हो कांग्रेस के अंदर, उन सबको सेवा दल की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा। और उसके बाद सेवा दल का एक उसकी एक शक्ल और सूरत बनी, लोग आने लगे और फिर हम लोगों ने काफी हद तक कार्यकर्ताओं की एक प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की एक सेना तैयार हम लोगों ने की, उसमें काफी हद तक सफलता भी मुझे मिली। तो आज जो आपने कहा कि आज में और उस वक्त के अंतर यही है, अभी जो कैडर बिल्डिंग का काम है किसी भी राजनीतिक दल में मेरा ख्याल है वो नहीं चल रहा है, कांग्रेस में भी नहीं चल रहा है और दूसरी पार्टियों में भी नहीं चल रहा है। आज जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है कि किसी तरह सत्ता तक पहुंचा जाए, विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, कोई भी शॉर्टकट रास्ता अपनाया जाए। पार्टी तो लोग इस तरह से बदल रहे हैं जिस तरह से कपड़े बदलते हैं। ये जो बाद का दौर शुरू हुआ है जिसमें मनमोहन फिनोमेना, माफ करिएगा हम ये यूज कर रहे हैं, देखने को मिल रहा है कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड इंजीनियर जब तक नौकरी में रहते हैं हर तरह के गलत कामों में लिप्त रहते हैं, नौकरी से हटते हैं मॉरलिटी की बात करने लगते हैं, जितने महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पद हैं जो कि एग्जीक्यूटिव में अनुभव के आधार पर मिलना चाहिए, इस तरह के अधिकारियों नौकरशाहों की तैनाती हो जा रही है, वो कोई एक कारण आपको नहीं दिख रहा है कि इस तरह की वैचारिक प्रतिबद्धता की जो मिसिंग लिंक दिख रहा है, शायद इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जब ब्यूरोक्रेट टर्न पॉलिटिशियन आ रहे हैं तो उनके अंदर वह कमिटमेंट आम जनता से नहीं है जो कि एक जमीन से उठ के आता था कार्यकर्ता जो नहीं। जैसा मैंने कहा कि सभी दलों में ये राजनीतिक कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता और आपका कहना बहुत हद तक सही है कि जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं जब उनका काम खत्म हो जाता है तब वो राजनीति में आते हैं और फिर जो उनका बैकग्राउंड होता है उस बैकग्राउंड का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। ये बात भी आपने बहुत हद तक कहा कि पहले जो है हम ही लोग जब किसी से किसी को कुछ बनाना होता था, कोई पदाधिकारी या कोई जिम्मेदारी का पद देना होता था या विधायक के बनाने की बात होती थी उनको, तो हम लोग उनका पूरा बैकग्राउंड देखते थे कि उनका पार्टी के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है। आपने राजीव जी के साथ काम किया, आपने सीताराम केसरी के साथ काम किया और आप नरसिंह राव जी के साथ भी काम किया, उस दौर के जो नेता हुआ करते थे और उनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी में भी अटल जी जैसे नेतृत्व था जो कभी भी पॉजिटिव इश्यूज को लेके वे नहीं परहेज करते थे कि हम सत्तारूढ़ दल की तारीफ नहीं करेंगे, अगर कोई देश हित में कोई फैसला होता था तो सार्वजनिक तौर पर उस बात का वो एतमाद करते थे, उसकी तारीफ करते थे। आज वो चीजें कहां मिसिंग दिख रही हैं आपको आज के नेतृत्व में? पहले और आज के नेताओं में की सोच में बहुत फर्क हुआ है। आज हम लोग सुकते हैं कि वैचारिक मतभेद होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अब वो व्यक्तिगत मतभेद में तब्दील हो गया है। अब हम एक दूसरे के कैरेक्टर पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और ये पहले नहीं था। पहले जो बहस होती थी वो वैचारिक बहस हुआ करती थी, पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, इश्यूज उठाए जाते थे और लेकिन सबका एक जिसको कहिए कि पूरी उसकी गरिमा एक रहती थी, आज वो नहीं है, उसकी कमी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद बात करेंगे कि उस दौर के नेताओं में और उस दौर के जो कुछ बचे हुए नेता अभी हैं हमारे भारतीय राजनीति में, चाहे शरद पवार जी हों, शरद यादव हों, मुलायम सिंह यादव हों या लालकेश आडवाणी हों, इनकी पर्सनैलिटी, इनका सोच, इनका काम का तरीका
और उनका जो माइंडसेट है उससे आम जनता या जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं कुछ किस तरह से रिलेट कर रहे हैं, और जो मौजूदा राजनीतिक संकट दिखाई दे रहा है, जो क्रेडिबिलिटी की क्राइसिस दिखाई दे रही है, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी की, उसको कैसे उम्मीद की जाए कि जो मौजूदा नेता हैं वो कहां तक उस क्राइसिस से देश को उबार पाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर डिटेल में आपसे बात करेंगे। प्रायोजक हैं सबका दिल मेरी मुट्ठी में बस एक चुटकी में MDH पाव भाजी मसाला। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस, कभी नहीं। क्यों लौटाऊं? डव लौटाना मतलब स्मूथनेस लौटाना। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण, इसमें है 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क, ये डैमेज बालों को रिपेयर करे और उन्हें बनाए स्मूथ। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। एनर्जी 500 गोल्ड कप, ज्यादा शक्ति ज्यादा चुस्ती, एनर्जी 500 गोल्ड कप से हो। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। बारिश शुरू, बीमारियां शुरू, तो स्टॉप करो। हाँ, बारिश को कैसे स्टॉप करूं? बारिश नहीं, बीमारी की असली वजह है कीटाणु, ये यहाँ से यहाँ, फिर जुकाम खांसी पेट दर्द, इनको तो स्टॉप करो, इसको स्टार्ट करो। लाइफ बॉय एडवांस, लाइफ बॉय हर मौसम में पूरे 10 इन्फेक्शन वाले कीटाणुओं से बचाए, एडवांस लाइफ बॉय। सबसे बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, तोते को हुआ है डेंड्रफ। ये डेंड्रफ वाले तोते का घर कहाँ है? इस अनोखे तोते के सर पे डेंड्रफ आखिर आया कहाँ से? आइए पूछते हैं। दीवारों पे पपड़ी से परेशान, पेंटिंग से पहले लगाइए बिरला व्हाइट वॉल केयर पट्टी, जो रखे दीवारों को नमी से सुरक्षित, यानी पपड़ी की छट्टी। लंबे रेशमी मुलायम और मजबूत बालों के लिए विट्रो नेचुरल्स एलोवेरा जोजोबा शैम्पू और हेयर क्रीम। विट्रो नेचुरल, जियो लाइफ नेचुरली। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। और तारिक भाई, हम लोग बात कर रहे थे कि जो इस समय देश के सामने, जनता के सामने पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का सवाल सबसे बड़ा बन के उभर के आ रहा है, और जो एक क्राइसिस दिख रही है कि पॉलिटिकल सिस्टम से पॉलिटिशियंस के प्रति आम जनता में एक अविश्वास पैदा हो रहा है। अगर वो चाहे यहां गले तक पानी में खड़े होकर बोले, कोई सच बात भी बोले, तब भी जनता को डाउट हो रहा है कि नहीं, इसके पीछे भी कोई राजनीति होगी। देखिए, जहां तक क्रेडिबिलिटी का सवाल है, किसकी क्रेडिबिलिटी है? अगर राजनीतिक लोगों की नहीं है तो ब्यूरोक्रेसी की है, यहां तक के जो न्यायालय की है, या किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए, बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो। गिरावट तो देखिए ओवरऑल सभी में आया, समाज जब, चूंकि हम सब एक ही समाज के हिस्से हैं, अलग अलग जिम्मेदारी हम लोगों को है, तो उसी तरह से हर जगह गिरावट है। मीडिया में भी बहुत तरह की बातें आती हैं कि पेड न्यूज छपते हैं या पेड उस प्रकार की मैनेज किया जाता है प्रेस को भी, मीडिया को। तो मेरे कहने का अर्थ है कि जहां सब जगह गिरावट होगी तो आप ये नहीं सोच सकते हैं कि जो राजनीतिक के लोग में गिरावट नहीं आएगी, उनमें भी आई है। और ये बात सही है कि चूंकि हम हमेशा हमारे पर या पॉलिटिशियंस पर
जनता का की नजर रहती है, उसका ध्यान रहता है, मीडिया का ध्यान रहता है, इसलिए हम फोकस में रहते हैं हमेशा। तो कोई भी अगर छोटा से छोटा भी गलत काम होता है तो पहले ही वो सामने आ जाता है। लेकिन इसको आपका कहना सही है कि किसी हद तक इसको दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम पब्लिक लाइफ में हैं, लोग हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम साफ सुथरे रहें, हमारे पर किसी प्रकार का कोई दाग ना हो। इस समय देश में दो तरह के मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स दिखाई दे रहा है, एक जिसकी रहनुमाई नरेंद्र मोदी कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर, फेसबुक, इन सारे हथकंडों के जरिए किस तरह से अपनी इमेज बिल्डिंग की जाती है, पीआर एजेंसीज के जरिए। दूसरी पॉलिटिक्स हो रही है जिसमें शरद पवार जी हैं, आडवाणी जी हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, इस तरह के तमाम जो सीनियर पॉलिटिशियन हैं देश में, उभले ही अलग अलग दलों की राजनीति कर रहे हैं, या प्रकाश करात हैं वाम मोर्चे की तरफ से। आपको लगता है कि जो मोदी फिनमना है, जो मोदी की राजनीति है, जो कल्ट है मोदी का, उसका मुकाबला अलग अलग रह के आज जो आने वाला चुनाव है उसमें आप लोग कर पाएंगे? देखिए, हमको ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को कुछ ज्यादा ही इलाज करके देश के सामने पेश करने की कोशिश हो रही है। आज ही निकला है कि एक तरफ तो गुजरात के विकास की बात कहते हैं, गुजरात के विकास के मॉडल की बात करते हैं, लेकिन आज ही जो रंजन कमेटी की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार गुजरात भी पिछड़े राज्यों में है, और उनकी आर्थिक व्यवस्था या उनकी विकास जो एक दर है वो बहुत जिसको कह सकते हैं कि सही ढंग से नहीं है। ये जो बातें बताई जा रही हैं जनता के बीच में कही जा रही हैं और एक प्रोपेगंडा हो रहा है, ये मैं समझता हूं कि ये भ्रम आगे चल के टूटेगा। चाहे मनमोहन सिंह की सरकार हो, नरेंद्र मोदी की सरकार हो, इन सरकारों पर आरोप लगते रहते हैं कि इनकी जो नीतियां हैं वो समाज के अमीर तबके के लिए बनाई जाती हैं, उनको ध्यान में रख के बनाते हैं। गांव, गरीब, किसान, जो डिप्राइव्ड है तबका, उसके बारे में फोकस नहीं है, चाहे वो मनमोहन सिंह का मॉडल हो या नरेंद्र मोदी का मॉडल हो। वहीं दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हैं, रमन सिंह बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हैं, इन लोगों के जो कामकाज का तरीका है वो नरेंद्र मोदी या मनमोहन सिंह से थोड़ा फर्क है। शरद पवार जी अपने बेबाक बयानबाजी के लिए अक्सर विवादों में रहे हैं, पिछले 9 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं। आज की इस आर्थिक स्थिति को देखते हुए आपको लगता है कि इस पूरे इस जो हम कह देते हैं कि एक जो पॉलिटिकल मेस दिखाई दे रहा है, जो इकोनॉमिक मेस बना हुआ है देश के सामने, इससे उबारने में शरद पवार जी का जो नेतृत्व है वो ज्यादा कारगर साबित होगा, आपको लगता है ये बात? देखिए, शरद पवार जी उनकी कुशलता में, उनकी योग्यता में उसका कोई मैं समझता हूं कि बहुत कम ऐसे राजनीतिक नेता होंगे इस देश में। लेकिन जो कड़वी सच्चाई है वो ये है कि एनसीपी का जो नंबर्स गेम, जिसको हम कहते हैं लोकतंत्र में व्यक्ति से ज्यादा क्षमता से ज्यादा नंबर्स का खेल होता है। आप बहुत बासलाहियत हो लेकिन आपके पास नंबर्स नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये बात खुद स्वयं पवार साहब ने स्वीकार किया है कि हमारी पार्टी की न क्षमता है, न हमारा उतना हमारी पार्टी की उतनी ताकत है कि हम प्रधानमंत्री के पद के लिए हम दावेदार हो सकते हैं। लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि उनका एक लंबा अनुभव है और बहुत बैलेंस वे में वो राजनीति करते हैं। और जैसा आपने कहा कि कॉरपोरेट सेक्टर और बड़े उद्योगपति और दूसरी तरफ समाज के कमजोर वर्ग, किसान और मजदूर की बात, तो ये दोनों को बैलेंस करने का की क्षमता उनके अंदर है, क्योंकि मैं समझता हूं कि आज देश को दोनों की आवश्यकता है। आप भी मानते हैं कि पॉलिटिकल मेस है, इकोनॉमिक मेस है इस समय देश के सामने, तो इसको देखते हुए और वैचारिक प्रतिबद्धता के भी आप कायल रहे हैं, आपने राजनीति भी शायद इसीलिए शुरू की, राजनीति में आए भी तो कोई ना कोई एक पॉलिटिकल आपका कमिटमेंट था, एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट था, तो आपको लगता है कि जो कांग्रेस से अलग हटके राजनीति
आप लोग किए हैं। अभी दौर आ गया है कि एक साथ फिर मिलके नरेंद्र मोदी या इस तरह के लोग जो कि देश या समाज के 80% गरीबों की बात नहीं सोचते हैं, उनके मुकाबले को करने के लिए, उनको एक मजबूत टक्कर देने के लिए जरूरी है कि एक मजबूत पॉलिटिकल फ्रंट बनाई जाए, और उसके लिए कांग्रेस के साथ मिलना जरूरी है, आपको नहीं लगता है? नहीं, कांग्रेस के साथ तो मिलकर हम अभी भी सरकार चला रहे हैं। नहीं नहीं, मर्जर की बात नहीं, मर्जर संभव इसलिए नहीं है कि अभी जो भारत की राजनीति का जो स्वरूप बना है वो स्वरूप ऐसा बना है कि किसी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं हो सकता है, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो। आज के दौर में हर जगह, हर राज्य में रीजनल पार्टियां आगे बढ़ी हैं, हर जगह दूसरे विचारधारा के लोग आगे बढ़े हैं, और उसमें जैसा मैंने कहा कि एक पार्टी अगर चाहे कि हम अकेले सरकार बना लेंगे, हम मिल भी जाएं, तो नहीं हो सकता है। तो ये दौर जो चल रहा है वो चल रहा है अलायंस का, गठबंधन का, और ये जरूर है कि उस गठबंधन में एक विचारिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए, उसके अंदर एक रुकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम विचारिक रूप से अलग हों और फिर सिर्फ सरकार बनाने के लिए मिल जाएं, तो फिर वो काम मुश्किल होगा, वो सरकार चलाना मुश्किल होगा। जो धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास करते हैं, लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, सामाजिक सद्भाव में विश्वास करते हैं, अगर वो तमाम पार्टियां एकजुट होकर अगर सरकार बनाती हैं, गठबंधन की सरकार भी बनती है, और मिनिमम प्रोग्राम उसमें अगर हम लोग मरतब करते हैं और उसके आधार पर सरकार चले, तो मैं समझता हूं कि उसमें कोई अंतर नहीं पड़े। ये जो भानुमती का कुनबा दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में, माया और मुलायम एक साथ आना उनके लिए बेहद मुश्किल है। आपके बिहार में नीतीश जी और लालू जी की आपसी जो टकराहट है वो कोई भी अलायंस प्री इलेक्शन बनने की गुंजाइश नहीं दे रहा है। वेस्ट बंगाल में वाम मोर्चा और ममता बनर्जी का जो आपसी क्लैश है पॉलिटिकल और पर्सनल, वो कांग्रेस या किसी भी राष्ट्रीय मोर्चे को बनाने में एक सबसे बड़ा व्यवधान खड़ा कर रहा है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए आपको लगता है कि एक डिवाइडेड हाउस के रूप में आप लोग नरेंद्र मोदी का जो अश्वमेध का घोड़ा निकला है उसको आप लोग रोक पाएंगे? देखिए, बिल्कुल रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए, दुनिया में आप देखिए, जहां जहां लोकतंत्र है वहां लगभग परिस्थिति ऐसी ही है, किसी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं है, और बहुत कम जगह ऐसी है जहां टू पार्टी सिस्टम हो, हर जगह मल्टी पार्टी सिस्टम्स है और उसमें सभी पार्टियां मिलकर देश चला रही हैं, हुकूमत चला रही हैं। उसकी कमियां भी हैं, उसका हम यूं कह सकते हैं कि उसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि गठबंधन में रहने से एक अंकुश भी रहता है, उसमें एक पार्टी की जो तानाशाही है वो नहीं चलती है, उसमें कहीं ना कहीं उसको अंकुश लग जाता है, उसमें रुकावट हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी आपका कहना सही है कि अलग अलग पार्टियां होती हैं तो जो प्रोग्राम्स खासतौर पर इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर हम मिनिमम प्रोग्राम बनाकर अगर प्री पोल अलायंस करते हैं, अगर प्री पोलिंग भी अगर पूरी तरह से नहीं हो पाता है, पोस्ट इलेक्शन भी अगर अलायंस होता है या सरकार बनती है, तो कम से कम मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए जो यूपीए 1 में बना था, क्योंकि एक पार्टी का अगर वर्चस्व हो जाएगा तो फिर इस देश में मैं समझता हूं कि जो राजनीति है वो किसी एक पार्टी या एक व्यक्ति की बकौती बन जाएगी या एक परिवार विशेष की बकौती बन जाएगी। इसलिए बेहतर यह है कि इस तरह का अरेंजमेंट होना चाहिए जिसमें बैलेंस होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल से बात करने के लिए, थैंक यू। सियासत के रंग, खेल का रोमांच, बाजार की हलचल, आम आदमी की आवाज, पहले पर्दे की चमक, देश विदेश के हालात देखिए अपडेट एट 9 रोज रात 9 बजे। प्रायोजक हैं दाल मखनी व शाही पनीर मसाले, एमडीएच की नई पेशकश एमडीएच।
और फॉर्च्यून बेसन 500 ग्राम सिर्फ 38 रुपए में। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। हेलो अंकल। हेलो। मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है। और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो कौन है, इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ। सो थैंक यू। पर बेटा मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए बाय बाय। 18 साल की उम्र से रक्तदान करें, ये किसी की जिंदगी बचा सकता है। करके देखो, अच्छा लगता है। ओ फेसबुक किंग, मेरे फोन पे फेसबुक ऑन कर। इसके लिए तो इंटरनेट प्लान लगेगा। ओ हाँ, तो फिर ले लेते हैं, चल आइडिया शोरूम। आगे आइडिया शोरूम बस। अरे 1 2 1 डायल करो और जहाँ खड़े हो वहीं आएगा आइडिया शोरूम। यही पाइए इंटरनेट प्लान, वैस टॉक टाइम ऑफर्स, सब कुछ। सनी, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, एक्सेप्ट कर लेना। मैं नहीं करना। पुरंजेदा, पेट्रोल आपके रास्ते की रुकावट ना बन जाए। ड्यूरा लाइफ इंजन के साथ टीवीएस स्पोर्ट 87.7 के एमपीएल का बेजोड़ माइलेज। ये रोज लड़ती है अपने आत्मसम्मान से, ये रोज सामना करती है अपनी परछाई का, ये रोज लोहा लेती है अपने वजूद से। ये नारी शिकार है वक्त की, पर इसके जिम्मेदार हम सब हैं। और क्योंकि आप हैं भारत के भाग्य विधाता, इसलिए आप ही करेंगे इसके दोषियों का फैसला। एक नारी ऐसी भी, सिर्फ जी मीडिया पर। भारत भाग्य विधाता और जी मीडिया इनिशिएटिव। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अपना प्रदेश अपना देश। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अपना प्रदेश अपना देश। सत्ता के खेल में सियासत के दांव पेच, कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र। चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। हर चेहरे के पीछे का असली चेहरा। राज्य का अगर अहित हुआ है तो फिर हम चुकेंगे नहीं, कार्रवाई करना। पल पल बदलते समीकरण, उतार चढ़ाव की अंतरंग कहानी। विकास ही सब बात की जवाब है। हमारा एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से विफल हो गया, वो ब्लंडर। क्या आप जनता के लिए काम करोगे तो जनता ही मार्केटिंग कर दी। देखिए सियासत की बात मेरे साथ। अफजल इस समय पुलिस की गिरफ्त में, जहां एनकाउंटर से सुबह होती है। दिल्ली पुलिस ने इन आतंकवादियों को यहां ढेर कर दिया, हाइड आउट्स पे शाम। आतंकवादियों ने अपने हाइड आउट्स बना रखे हैं, जहां तस्वीरों में कैद हैं तारीखें और तारीखों में राज। पाकिस्तानी सीमा पर सैनिक तैनात हैं, जिस जगह पर हम खड़े हैं यहां हमारा और मौत का आमना सामना है। पाकिस्तान की क्राइम की ऐसी दुनिया में 25 साल से बेबाक बेखौफ नवीन कुमार, क्राइम रिपोर्टर, सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे। सत्ता पर उठने वाले बेहिसाब सवाल, अब जनता मांगेगी सीधे हिसाब। खुलकर बोलिए हमारे साथ अपने और समाज के हक की बात। अगर चाहिए सीधा और सटीक जवाब, देखिए हमारे साथ मुद्दे की बात रोज शाम 6 बजे।